बैठ जाना यार। आपका पंच लाइन भी बहुत अच्छा था, यहाँ पे कब आना है? वैसे मैं पॉजिटिव वे ऑफ डिसवेडिंग द नाफिक एंड फॉलो द एडवाइस। जाइए जाइए बस में बैठे चलिए। हाँ सर, नेट पे बड़ा नुकसान बन गया। हाँ जी सर, बस में भेजेंगे। देखिए हमारे जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति थे वो आज निगेटिव टेस्ट करने के बाद यहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं और ये दिखाता है कि धीरे धीरे रिकवरी रेट हमारी इम्प्रूव कर रही है और आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी भी जो हमारे संक्रमित व्यक्ति हैं वो भी इसी प्रकार से डिस्चार्ज होंगे। और इसके माध्यम से दो मैसेज विशेष रूप से हम लोग देना चाहेंगे। पहला तो ये कि इस चीज़ को लेकर के किसी भी तरह के पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है और दूसरा ये कि इसको लेकर के कोई नकारात्मक भाव रखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ज़िले की अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ अभी तक जितने भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति आए हैं सभी असिम्प्टोमेटिक रहे और ऐसे में उनके रिकवरी के और उनके जल्दी छुट्टी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आगे आने वाले समय में भी हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में जो हमारे मरीज हैं वो इसी प्रकार से ठीक होकर के डिस्चार्ज करते हैं। क्या अपील करेंगे सर लोगों से? जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं वो उसके संबंध में सूचना अवश्य दें ताकि हमारी जो सर्वे सर्विलांस टीम है वो इसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर सके और किसी भी प्रकार का लक्षण आने की स्थिति में उसको कंट्रोल रूम या जो नियरेस्ट पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उसको अवश्य इन्फॉर्म करें ताकि उसको लेकर के हम लोग अपनी तरफ से कार्रवाई कर सकें। और किसी भी प्रकार से डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसको लेकर के पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी तरफ से सावधानी अवश्य बरतें और अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें, मास्क का हमेशा प्रयोग करें, अनावश्यक बाहर की चीज़ों को छूने का प्रयास ना करें ताकि अपने आप को इस संक्रमण से बचा सकें। कितना टोटल पॉजिटिव केस अभी है सर? ये अभी डिटेल आज की रिपोर्ट के आने के बाद अपडेट करते हैं, हम लोग आपको अलग से बताएँ।